हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रिक्रिएटिंग फूड। मैं आज आपको पंजाबी स्टाइल का भटूरा दिखा रही हूँ। ये बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही क्रिस्प और सॉफ्ट दोनों बनता है। इसके लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा। इस कप से 250 ml का कप है, ये 2 कप लिया है मैंने। इसके लिए मेजरमेंट्स बहुत ज़रूरी है अगर आप परफेक्ट भटूरा बनाना चाहते हैं तो। 2 कप मैंने इस कप से लिया है, तो 1/4 कप मैंने सूजी ली है और 1/2 कप जितनी मैंने दही ली है घर पे बनाई हुई, और घी असली घी है, 1 टेबलस्पून जितना घी लिया है। और इसमें मैंने 1/2 टीस्पून नमक लिया है और बेकिंग पाउडर लिया है 1/4 स्पून। हम पहले इसमें सूजी को ऐड कर लेंगे। सूजी इसमें बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे क्रिस्प बनता है भटूरा। हम इसको मिक्स कर देंगे सूजी और आटे को। हम इसमें नमक को ऐड करेंगे और फिर बेकिंग सोडा, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हम घी डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे आटे को। अभी हम दही ऐड करेंगे और दही को मिक्स करेंगे। इसके बाद हम धीरे धीरे से पानी को ऐड करते हुए आटे को मिक्स कर लेंगे। हमें इसको बहुत पतला डो नहीं बनाना है, नॉर्मल डो बनाना है, बहुत ही सॉफ्ट डो बनाना है इसका। अच्छे से गूंदना है आटे को। ये आटा इतना सॉफ्ट होना चाहिए। थोड़ा सा तेल डालेंगे हम यहाँ। हम इसे 5 मिनट तक रख देंगे। अभी 5 मिनट हो चुके हैं। इस तरह से एक ही साइज के पेड़े बनते हैं। इस तरह से सॉफ्ट होना चाहिए बिल्कुल, तभी आपका भटूरा क्रिस्प आएगा और सॉफ्ट भी आएगा, बहुत टेस्टी बनेगा। इसको बेल लें इस तरह से। आप गोल बेल लें, लंबाई में बेल लें, किसी भी तरह से बेल लें, लेकिन आपका भटूरा जो है थोड़ा मोटा होना चाहिए, बहुत पतला नहीं होना चाहिए। पूरी नहीं है, भटूरा है तो थोड़ा मोटा रहेगा। इस तरह से मैं इसको इस तरह से लंबाई में बेल रही हूँ। देखिए इस तरह से। तो तेल बहुत ही गर्म होना चाहिए तभी आपका भटूरा फूलेगा। देखिए कितना परफेक्ट भटूरा बना है, कितना क्रिस्प बना है और कितना सॉफ्ट बना है। इसका आवाज देखिए और कितना क्रिस्प बना है, कितना सॉफ्ट बना है। आपको चने की रेसिपी दे रही हूँ। इससे मैं चना मसाला बना रही हूँ। मैंने इसे 2 दिन पहले भिगो लिया था। इसको मैंने स्प्राउट्स बना लिया है। जब भी आप चना बनाए तो स्प्राउट्स बना लें, और इसे फ्रूट्स बनाने से चने की न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। अभी चलिए हम चना मसाला बनाते हैं। उसके लिए मैंने कुकर रख लिया है और कुकर में मैं बटर डालूंगी। बटर को हमें जलाना नहीं है, बस
गरम कर लेना है थोड़ा सा। ये ढाबा स्टाइल का बटर मसाला है, बहुत ही टेस्टी बनता है। इसमें मैं अभी गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, खड़ा, तेजपत्ता, लौंग, दालचीनी और इलायची। इसको मैं थोड़ा भून लूँगी और इसके बाद मैं 4 मीडियम प्याज को इस तरह से पीस लिया है मैंने, वो ऐड करूँगी। इसको हम कच्चापन जाने तक भून लेंगे। देखिए प्याज अभी भून चुका है, मैं इसमें 4 बड़े टमाटर को पीस लिया है, मैं उसको ऐड करूँगी और इसको अच्छे से फ्राई करूंगी। मैं इसमें 1 चम्मच नमक ऐड करूंगी। छोले मसाला मैं 1 टेबल स्पून ले रही हूँ, आपको जो कंपनी का पसंद हो आप वो लें। लाल मिर्च ले रही हूँ 1 स्पून, हल्दी थोड़ी सी 1/4 स्पून, जीरा पाउडर, सौंफ का पाउडर, सौंफ का पाउडर डालने से इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है करी में, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, और इसको अच्छे से भून लें। इसमें मैं थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर रही हूँ, इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है। आप इसे क्रश करके भी डाल सकते हैं। मैं मसालों के साथ ही छोले उबाल रही हूँ, मैं अलग नहीं उबाल रही हूँ छोले को। छोला मसाले को अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेगा तो बहुत टेस्टी बनेगा, इसीलिए मैं एक ही बार में बना रही। देखिए मैं स्प्राउट किए हुए छोले को अच्छे से फ्राई कर लूंगी मैं अभी। देखिए इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद मैं 1 ग्लास पानी ऐड करूंगी इसमें और मैं कुकर को लगा दूंगी तब तक कि ये अच्छे से गल ना जाए। देखिए मैंने एक आलू को इस तरह से छील लिया है, मैं इसमें इसी तरह से साबुत रख दूंगी। गार्निश के वक्त मैं ये आलू को गार्निश करूंगी ऑनियन के साथ, ये बहुत ही अच्छा लगता है, आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करें। देखिए मैंने कुकर को ऑन कर लिया है, आलू भी अच्छे से गल चुका है, इसे मैं अलग कर लेती हूँ। देखिए मैंने इसे 2 मिनट के लिए पका लिया है अच्छे से मसाले मिक्स होने के लिए, अभी मैं इसे डिश आउट करती हूँ। देखिए मैंने इसे डिश आउट कर लिया है, बहुत ही टेस्टी छोले बने हैं।